स्वागत करूंगा, क्योंकि वो जाएंगे जनता के बीच में तो क्या कहेंगे कि मैं शराब को फ्री कर दूंगा। मतलब क्या कि फिर से रोड में एक्सीडेंट बढ़े, फिर से लोगों को ज़्यादा लीवर की बीमारियाँ हों, फिर से ज़्यादा लोगों के समझिए और तरह तरह की बीमारी हो, फिर से जो लोगों को जो घर में भी पैसे बच रहे हैं वो समाप्त हो, फिर से घरेलू हिंसा बढ़े। और देखिए एक बात जान लीजिए, आप जानते हैं सबसे बड़ा आज अपराध क्या है? सबसे बड़ा अपराध होता है मर्डर, और मर्डर में फांसी की सज़ा होती है, लेकिन फिर भी लोग अपराध ही अपराध करते हैं। और आप ज़रा सोचिए, अगर वो कानून न हो, अगर धारा 302 न हो, तो लोग और भी अपराध करेंगे। तो ये शराबबंदी का कानून लागू किया गया है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और आगे धीरे धीरे देखिए होता क्या है ना, ये जन जागरण का ये सवाल है। धीरे धीरे लोग जैसे जैसे अवेयर हो रहे हैं उस प्रकार से इसके पक्ष में माहौल बनता जाएगा और स्वेच्छा धीरे धीरे लोग इसका त्याग भी करेंगे। जो बंदी के दौरान शपथ लिए थे कि इसका हम समर्थन करते हैं, वो आज के वक्त में ये कह रहे हैं कि इसको फ्री कर देना चाहिए क्योंकि ये दवाई के तौर पर यूज़ होता है। देखिए जो लोग कह रहे हैं दवाई के तौर पर यूज़ होता है ना, तो उनका हमेशा अपना हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। ये बड़ी भारी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी कि शराब जो है लोगों के लिए दवाई बन जाए। बिहारियों को कतई पसंद नहीं है, कुछ शराब के लोग जो आदि होंगे उनको हो सकता है। और ऐसे भी देखिए बहुत सारे लोग हैं, आप जानते हैं कि भाई कितना भी कानून बना दीजिए वो कहीं से नहीं कहीं को कोशिश करते रहते कि हम कानून तोड़ें। लेकिन एक बात याद रखिए, जब कानून है तो एक बार आप बच जाइएगा, 100 बार बच जाइएगा, 1000 बार बच जाइएगा, कभी न कभी आप धरा ही जाइएगा, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। और बिहार में शराब पीना अपराध है तो अपराध है और वो रहेगा। देखिए दो बात है, जो बिहार में शराबबंदी लागू की गई आप याद करिए, इसमें पक्ष और विपक्ष सब लोगों ने इसका समर्थन किया था, आपको याद होगा। और बहुत बड़ा इसके लिए आप जानते हैं मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी और सब लोग उसमें हिस्सा लिए थे। तो बिहार में शराबबंदी जो लागू किया गया नीतीश बाबू के नेतृत्व में जब वो लागू हुआ था तो सभी लोगों का समर्थन था। और मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि शराबबंदी का फ़ायदा हुआ है बिहार में और सब लोगों को इसको ठीक से लागू करने में सहयोग करना चाहिए, नंबर वन। नंबर दो, जो आप बता रहे हैं कि साहब बहुत जगह शिकायतें आ रही हैं और बहुत लोग पकड़े जा रहे हैं, देखिए जब कोई कानून बनाया जाता है तो कानून बनाया जाता है इसलिए बनाया जाता है कोई अगर इस किस तरह का चीज़ है, ये देखिए तो सामाजिक कुरीति है। तो कानून जब बनाया गया है तो धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस भी इसके प्रति आ रहा है और ये इस तरह का कानून है जिससे समाज को सीधा सीधा फायदा है। अगर किसी के घर में आप देखिए, मैं बार बार एक मीटिंग में भी कहा हूँ कि जिसके घर में कोई शराब पीते थे रोज़ 200-300 रुपया लोग ख़त्म कर देते थे, 6000 से 9000 महीना उनका नुकसान होता था। और आप जोड़ लीजिए 4 साल होने जा रहा है, ऐसे लोगों के घरों में नीतीश बाबू ने सीधे सीधे 3 से 4 लाख रुपए की बचत करा दी। और बिहार के लोगों के घरों में पैसे बचते हैं तो उसमें माचिस नहीं लगाता है, बल्कि उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है अगर आप जाइए देखिएगा चेंज हुआ। और ये जो बात बोल रहे हैं रेफरेंडम कराने की, तो उनकी इच्छा है तो कर लें उसमें। और बिहार की जनता शराबबंदी के पक्ष में है और आगे भी रहेगी। और हमारी सरकार का और हमारे नेता का ये बहुत ही अहम मुद्दा है और हम लोग इसमें पीछे नहीं। बाबू का जो नेतृत्व है वो समावेशी नेतृत्व, वो सबको साथ लेकर के चलते हैं और सबको बनाते हैं। और बाकी जिनकी इच्छा अपने आप में लगता है कि ज़्यादा बड़ा नेता हो गए हैं तो चले जाते हैं, जाएंगे तो आप देखिए आखिर पता कहाँ चलता है चुनाव में। तो चुनाव तो सामने 2020 में है, तो 2020 का चुनाव तो सामने है। जिनको जिनको अपना अपनी अपनी ताकत दिखानी है, सत्ता नीतीश बाबू, और नीतीश बाबू ने बिहार में जो काम किया है उसी के भरोसे हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। बाकी हम किसी भी इशू पर नहीं, किसी पर हम और इशू पर नहीं जाएंगे। सर एक खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर कुछ पार्टी पॉलिटिक्स पार्टी के साथ मिलकर थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है उससे कुछ? देखिए हम लोग तो फर्स्ट फ्रंट हैं, NDA बिहार में फर्स्ट फ्रंट है और NDA फर्स्ट फ्रंट है। और फर्स्ट फ्रंट का ये समझिए दायित्व तो बनता है कि हम चुनाव में फर्स्ट हैं, बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ की हम परवाह की बात रखते हैं, बोलते हैं हमेशा। देखिए लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष सबको अगर आप बात अपनी रखते हैं तो मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए बस। देखिए जब चुनाव नज़दीक आता है तो बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे ऑप्शंस को तलाशते रहते हैं। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।